शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं निखिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं कर्मायुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर, जहां आप किडनी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आयुर्वेद भारतीय संस्कृत का एक अहम हिस्सा है और आयुर्वेद से सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज भी संभव है। वहीं किडनी की बीमारी एक साइलेंट बीमारी है। ये अक्सर तब पता चलती है जब यह अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी हो। ऐसी स्थिति में एलोपैथी डॉक्टर्स किडनी डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं। वहीं कर्मायुर्वेदा यह दावा करता है वह बिना डायलिसिस और बिना ट्रांसप्लांट के आपकी किडनी को पहले की तरह स्वस्थ कर देगा। आज हमारे पास कर्मायुर्वेदा में आए हुए कुछ पेशेंट्स की रिपोर्ट्स हैं, तो चलिए उन रिपोर्ट्स को देखते हैं और जानते हैं कर्मायुर्वेदा में आने से पहले उनकी स्थिति क्या थी और कर्मायुर्वेदा में आने के बाद उनकी स्थिति में क्या बदलाव आए। चलिए देखते हैं। पहली रिपोर्ट को देखते हैं जो कि ब्रिजपाल जी की है। यह मेडिकल जांच इन्होंने 14 सितंबर 2018 को कराई थी। आप देख सकते हैं मेडिकल जांच इन्होंने वेंकटेश्वर हॉस्पिटल से कराई है। इनकी उम्र 61 साल है। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं इनका क्रिएटिनिन लेवल 6.30 mg पर डेसीलीटर है, जो कि नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है। क्रिएटिनिन की नॉर्मल रेंज 0.66 से 1.25 के बीच होती है और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल 43.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, जो कि नॉर्मल रेंज से पूरे 23 पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि ब्लड यूरिया की नॉर्मल रेंज 9 से 20 mg पर डेसीलीटर के बीच होती है। वहीं यूरिक एसिड 7.81 है, जो कि 3.5 से 7 के बीच होना चाहिए। अगर हम ओवरऑल टेस्ट्स की बात करें तो इस वक्त सभी रिपोर्ट्स में असामान्यता है। इसका मतलब है इस वक्त ब्रिजपाल जी की हेल्थ कंडीशन काफ़ी ख़राब है। आपको बता दें, मेडिकल रिपोर्ट कर्मायुर्वेदा से ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने से पहले की रिपोर्ट है। अब जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं वो इनकी कर्मायुर्वेदा से ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने के बाद की रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं ब्रिजपाल जी ने अपना टेस्ट 12 अक्टूबर 2018 को दोबारा कराया। यह ट्रीटमेंट डॉक्टर पुनीत धवन की देखरेख में हुआ था और उसके बाद इन्होंने यह मेडिकल जांच करवाई है। कर्मायुर्वेदा में इलाज करवाने के लगभग एक महीने बाद जब इन्होंने दोबारा अपना मेडिकल टेस्ट करवाया, तब इनका क्रिएटिनिन लेवल 4.39 mg पर डेसीलीटर पर पहुंच चुका है, जो कि पहले 6.30 mg पर डेसीलीटर था। चलिए अब दूसरे पेशेंट की रिपोर्ट देखते हैं। यह रिपोर्ट रिंकू देवगन जी की है। इन्होंने अपना टेस्ट 5 मई 2018 को कर्मायुर्वेदा में आने से पहले कराया था। इनकी उम्र 25 साल है। इस वक्त इनका क्रिएटिनिन लेवल 9.1 mg पर डेसीलीटर है, जो कि नॉर्मल लेवल से पूरे 8 पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि सीरम क्रिएटिनिन की नॉर्मल रेंज 0.57 से 1.11 के बीच होती है। वहीं इनका eGFR लेवल 5.4 ml पर मिनट है, जो कि नॉर्मली 90 ml पर मिनट से ज़्यादा होता है। आपको बता दें, यह मेडिकल रिपोर्ट कर्मायुर्वेदा से ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने से पहले की रिपोर्ट है। अब जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं वो इनकी कर्मायुर्वेदा से ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने के बाद की रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं रिंकू देवगन जी ने अपना टेस्ट 17 अक्टूबर 2018 को चौहान पैथोलॉजी लैब पोटरी से दोबारा कराया है। कर्मायुर्वेदा में इलाज करवाने के लगभग ढाई महीने बाद जब इन्होंने दोबारा अपना मेडिकल टेस्ट करवाया, तब इनका क्रिएटिनिन लेवल 5.76 mg पर डेसीलीटर पर पहुंच चुका था, जो कि पहले 9.1 mg पर डेसीलीटर था। आप देख सकते हैं क्रिएटिनिन लेवल में गिरावट आई है। जहां एलोपैथी डॉक्टर्स ये कहते थे कि क्रिएटिनिन लेवल अगर एक बार बढ़ जाए तो उसे कभी कम नहीं किया जा सकता, वहीं कर्मायुर्वेदा ने यह सिद्ध कर दिखाया कि बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल को रोका ही नहीं बल्कि कम भी किया जा सकता है। साथ ही सभी मेडिकल टेस्ट्स में भी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। जैसा कि आपने देखा, सभी पेशेंट्स की रिपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किडनी से संबंधित किसी भी रोग से पीड़ित है तो आप कर्मायुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। कर्मायुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।